अब मैं शुरुआत करता हूँ, आपको एक मंदिर दिखाता हूँ जो सिरोही ज़िले के अंदर कावल गांव के पास स्थित है। इसे आंजना समाज और आप कह सकते हैं कि चौधरी समाज और पटेल समाज तीनों एक ही है, उनमें से बनाया गया। आपको साइड का व्यू दिख रहा है। अब यहाँ से मैं आपको मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। ये मंदिर है, अगर आप किसी भी समय यहाँ पे आते हैं तो आपको भोजन वोजन सब ऐसा समाज सेवा की तरफ से करवाया जाएगा। अगर आपको भोजन करना हो, चाय पीनी हो, सब यहाँ पे अवेलेबल है 24/7। ये हमारे शिवगढ़ जी महाराज और चंदनगिरी जी महाराज की कुटिया है। और इस पूरे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये है साड़का बावसी, ये साड़का आश्रम है और यहीं पे चंदनगिरी जी महाराज और पहले शिवगिरी जी महाराज रहा करते थे। अभी चंदनगिरी जी महाराज रहते हैं, महाराज हमेशा यहाँ भ्रमण करते रहते हैं मंदिर और उनका। चलिए हम आपको ले चलते हैं धीरे धीरे, पहले इस कुटिया के अंदर आपको दर्शन कराते हैं। ये चंदनगिरी जी महाराज की धुनी है, जय प्रभु जय प्रभु। चलिए अब नीचे आपको ले चलते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। कोई ठाकुर बीजू नहीं है, खाली पड़ी हुए। ये है, यहाँ पे आपको भोजन की व्यवस्था मिलेगी, अंदर रसोई है। कहा गया ना ना बने रो, कोई नहीं, यहाँ पे आपको रसोई है जो आपको खाने पीने की सुविधा मिलेगी। अब आपको पास से दिखाते हैं मंदिर। ये हवन का स्थान है, ये बैठने की व्यवस्था है फंक्शन के लिए। 12 महीने में यहाँ पे एक बार मेला लगता है। जिस दिन इस मंदिर की स्थापना हुई थी उसी दिन से ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। चलिए फास्ट देखिए कितना सुंदर बना है। अब मैं आपको दर्शन करवाता हूँ माता जी के, आंजना माता के। दर्शन से पहले गणेश जी नहीं आ रहे हैं। ये गणेश महाराज की मूर्ति है। जय गणेशाय नमः। ओम 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 गणेशाय। और इस स्थान पे हनुमान जी विराजमान है। मंदिर का गेट बंद रहता है किंतु यहाँ पे एक खिड़की है वो हमेशा खुली रहती है, जिसके थ्रू हम उसमें एंट्रेंस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। ये माता रानी है। ये माता जी। जय माता रानी। जय माता जी। हे माता रानी शांति रानी की जय। माता रानी जय मैया रानी। ये आंजना माता की मूर्ति है। हे माता रानी। आपको यहाँ आने के लिए
मकावल गांव की तरफ आना पड़ेगा, देवदर के पास से होते हुए आप आएंगे मकावल बूट, और वहाँ से और करूटी से आप दो रास्तों से आ सकते हैं। करूटी पे आप किससे भी पूछ सकते हैं मकावल, वो आपको बता देगा कहाँ से कैसे, या रास्ते में फिर भी आप अगर देवदर पहुँच जाते हैं तो आपको ये जगह का लिंक मिल जाएगा कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर जो 12 महीने का मेला होता है वो बहुत ही भव्य और सुंदर होता है। अगर उस टाइम आप पधारे तो आनंद आ जाएगा। चलिए अब आपको नीचे ले चलते हैं। देखिए मंदिर, अगली बार जब इस मंदिर पर आएंगे तो मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाऊंगा। गया मंदिर है, ये पूरा पहाड़ है, ये उसको काट के बनाया गया मंदिर है। सारकावास, जो सारकावासी का आश्रम है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में अपलोड करूँगा, आप उसे उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद जी।